Gaurav is very, very dear to me, and he's associated with my music, my academy for several years, and he's come up with an amazing concept, a show called Izafat. नहीं इंतजार करने में कुछ हर्ज हमको भी, अगर तृष्णगी ना हो पानी मीठा नहीं। इस मुलाकात का इंतजार जरा लंबा रहा, लेकिन अब इजाफत की महफिल मुंबई में जमी। इजाफत ही मराठी आणि उर्दू गजलांची इनफॉर्मल महफिल होणार आहे 23 जूनला रात्री 8:15 वेदा फॅक्टरी अंधेरी वर्सोवा येथे। माझ्या काही मित्रांनी मिळून ही महफिल जमवून आणली। मी या कार्यक्रमाला नक्की जाणार आहे, तुम्ही सुद्धा तुमच्या शेड्यूल मधून वेळ काढून नक्की अटेंड करा। मला खात्री आहे या कार्यक्रमाच्या तुम्ही प्रेमात पडा। स्वप्निल, सायली, अवंती, अभिषेक, गौरव, या महफिलीसाठी तुम्हाला खूप 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 साऱ्या शुभेच्छा। मला खात्री आहे मुंबईतली ही महफिल नक्कीच रंगेल। इजाफत ही उर्दू आणि मराठी गजलची महफिल माझे काही मित्र सादर करतात, या महफिलीचा आनंद घ्यायला मी जाणार आहे। पर अब इजाफत की महफिल मुंबई में जमेगी। जब दिल टूट जाता है बहुत जल्दी उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे जॉन एलिया साहब का एक शेर याद आ रहा है। जॉन एलिया साहब कहते हैं कि अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, वो बरसों बाद जब मुझे मिला है। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, वो बरसों बाद जब मुझे मिला है। भला मैं पूछता उससे तो कैसे, बताए जान तुम्हारा नाम क्या है। हम तक बोल चुके हैं। अच्छा, जुबैर अली ताबी साहब का भी एक शेर है, वो कहते हैं कि क्या कहा दूर जाना है तुम्हें, क्या कहा तुम्हें दूर जाना है, इसका मतलब है जा चुकी हो तुम। इजाफतच्या जादुई महफिलचा आस्वाद घेण्यासाठी इजाफतच्या इंस्टाग्राम हँडलला फॉलो करा आणि अपडेट्स घेत राहा। इजाफा यानी बढ़ना, किसी चीज में बढ़ोतरी होना, और इजाफत जो उर्दू में जो जैसे हम कहते हैं शाम गजल, तो जो ए है जो शाम और गजल को जोड़ता है उसको कहते हैं इजाफत, हर्फ इजाफत। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो शो है ये हमें और आपको जोड़े, इसीलिए इसका नाम रखा है इजाफत। तो शुरू करते हैं।